इसमें मिस्टेक हो गई थी अंसुर, मैंने वहां पर रॉन्ग लिख दिया था और अभी मैंने करेक्ट कर दिया, हालांकि आपके मार्क्स ऐड हो गए होंगे जरूर। तो देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। यहाँ पे आपको तीन लिखी हुई है, ए बी सी लिखी हुई है, तीन रिएक्शन लिखी हुई है, उनका रेट आपको बताना है कि उनका आप रेट कैसे बता सकते हैं। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन है ये है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकोटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा इस रिएक्शन का जो आरडीएस होता है ना, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन ही होता है, यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा उतना ज्यादा आपका रेट आएगा। तो अब क्या करके देखना है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इसमें आपको कार्बोकोटाइन बनाने और उस कार्बोकोटाइन को बना के आपको देखना कि कौन से वाला कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपने इसको OH यहाँ पे कार्बोकोटाइन बना हुआ, तो सबसे पहले जो कार्बोकोटाइन बना आपका वो ये वाला कार्बोकोटाइन बना है। इस कार्बोकोटाइन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम सभी का। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, जब आप यहां से इस OH को हटाओगे तो यहाँ पे कार्बोकोटाइन बनेगा और इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो कार्बोकोटाइन बनेगा बी में, वहां पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखो, यहां से गुड आफ्टरनून, यहां से जब आप निकालोगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तो इसके पास कुल मिला के 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए, यानी कि सबसे स्टेबल जो कार्बोकोटाइन बन रहा है वो सी के अंदर बन रहा है, सबसे स्टेबल सी के अंदर बन रहा है, उसके बाद ए के अंदर बन रहा है और सबसे लिस्ट बी के अंदर बन रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर रहा होगा, हम लिखेंगे आर सी सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद ए और उसके बाद बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप ये वाला बताओगे, इस रिएक्शन का आप करेक्ट आंसर सी बताओगे, 3 वाला बताओगे, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकोटाइन आपको मिल रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। तो ये एक क्वेश्चन था, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पहला क्वेश्चन था ये हमारा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक टेस्ट दिया मैंने इस बार, ज्यादा कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन एवरेज थे। हाँ, यस यस यस, जग रहा था वो रॉन्ग था, मैं अभी करेक्ट कर दिया मैंने, हालांकि वहां पे पहले रॉन्ग था वो, ठीक है, वहां पे आंसर गलत दे दिया गया था। चलिए भाई, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, ये पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकोटाइन वुड यू एक्सपेक्ट टू रीअरेंज, इनमें से कौन सा कार्बोकोटाइन रीअरेंज हो सकता है, इनमें से कौन सा कार्बोकोटाइन रीअरेंज हो सकता है, वो बात आपको यहाँ पे करनी थी। तो देखिए, बड़ा आसान होता रीअरेंजमेंट, पहले आप ये देखिए कि लीस्ट स्टेबल कार्बोकोटाइन हो आपके पास, है ना, लीस्ट स्टेबल कार्बोकोटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन में जाता रीअरेंजमेंट में। तो देखो, गुड आफ्टरनून, मैंने टेस्ट नहीं दिया तो ये वीडियो देखूं या एग्जाम देके, अरे भाई वीडियो मत देखो ये, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद ये रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डेड वहां से देख लीजिएगा, अभी देखने का कोई फायदा नहीं है, अभी मत देखिए इसको। अगर आपने जिस भी बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है वो ना देखे। हाँ, 3 स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जगराता, सपना एंड दीपक, इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स जगराता ने लिए थे, सेकंड नंबर पे सपना थी और थर्ड नंबर पे दीपक था, ठीक है। इन 3 स्टूडेंट का मैंने स्कोर कार्ड देखा था, लेकिन काफी कम मार्क्स आए भाई, ज्यादा आने चाहिए थे क्योंकि ईजी टेस्ट था, ज्यादा टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल के डाले हुए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए अगर आपने ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे ले गए रीअरेंजमेंट के बाद, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, अगर आप यहाँ से ये वाला चार्ज यहाँ पे ले गए तो इसके पास पहले 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, अगर आप ऊपर इसको लेके गए तो यहाँ पे आपने अल्फा हाइड्रोजन 3 कर लिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल होगी। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले भी आए तो भी 4 अल्फा हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब पहला आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, फर्स्ट में आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो ए काट देते हैं भाई। सेकंड देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट है और सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आना था, सेकंड ऑप्शन। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ये कार्बोकोटाइन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, आप 2 हाइड्रोजन ये रहे आपके पास और 1 हाइड्रोजन आपके पास ये रहा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं,
जैसे ही आप यहां से H को यहां पे लेके आओगी और हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद आपका जो ये आपका CH3 यहां पे हो गया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसके पास पहले तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, अब इसके पास एक दो तीन चार और तीन ऊपर लगे हुए, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे भाई? 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका मतलब आपका बी करेक्ट आंसर, बी में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ना ए में पॉसिबल, ना तीन और चार में पॉसिबल होगा। क्यों? देखिए, अगर आप तीन में रीअरेंजमेंट करवाओगे तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, सेम अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, तो तीसरे को रीअरेंजमेंट करवाना कोई जरूरी नहीं है। फोर्थ आप करवा नहीं सकते, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, अगर इससे आप रीअरेंजमेंट करवाओगे तो लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आना था भाई, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाओ ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते कि यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव, मतलब कि कोई ना कोई या तो आर कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा होगा, पॉजिटिव 1-chloro-1-phenyl-ethane। तो देखो ये एक दो, यहाँ पे हमने इथेन बनाया, इसके इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है SbCl5 के साथ। किसके साथ? SbCl5 के साथ। अब जो SbCl5 होता है ना, वो हमारा एक लेविस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई? वो हमारा लेविस एसिड की तरह काम करता है। अगर वो लेविस एसिड की तरह काम करेगा तो यहां से इस क्लोरीन को सीएल नेगेटिव की फॉर्म में निकाल लेगा, ठीक है। अगर निकाल लेगा तो यहाँ पे बनेगा आपका कार्बोकोटाइन। क्या बनेगा भाई? कार्बोकोटाइन। अब आप सभी को पता है कार्बोकोटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर होता है, और यहाँ से साथ में आपका sbcl नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा भाई? सीएल नेगेटिव करेगा, तो सीएल नेगेटिव अबाउ द प्लेन भी अटैक कर सकता है, यानी कि आर कॉन्फिग्रेशन भी आपको यहाँ पे मिल सकती है, और वो बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, आपको एस कॉन्फिग्रेशन भी मिल सकती है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या था। A solution of +1-chloro-1-phenyl-ethene in toluene racemic slowly, racemize हो रहा है, मतलब racemic mixture बनेगा, R plus S का racemic mixture ही बनेगा। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा intermediate बना है। देखो भाई, अगर कार्बोकोटाइन बना तो जाके ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी आना था। बिल्कुल करेक्ट है डी, फ्री रेडिकल की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और वैसे दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे कि अगर टेस्ट कार्बोकोटाइन एंड फ्री रेडिकल का है तो कार्बिनाइन और कार्बिन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी अप्रोच ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई। फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, आपको ब्रोमिनेशन, आपको पता है कि ये जो BR है इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कर देना है, और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करने के बाद आपने यहाँ पे आपका ये BR लग जाएगा, ये वाला जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा ये काफी स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, और यहीं पे आपको BR का अटैक करवा देना है, ठीक है भाई। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि आप देखो इस बॉन्ड का जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करोगे तो ये वाला फ्री रेडिकल आपका काफी स्टेबलाइज है, इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, है ना। ये देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले, और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, ठीक है भाई, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ पे हम इसका BR का अटैक करवाएंगे। तो ये सिंपल आपका जो है सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व अ रेडिकल मैकेनिज्म, इनमें से किसमें रेडिकल मैकेनिज्म होगा, बताना है आपको कि रेडिकल मैकेनिज्म। देखो भाई, HBr ओनली HBr लिखा हुआ है, तो ओनली HBr के केस में आप क्या करोगे भाई? तो यहाँ पे HBr, अगर ओनली HBr है तो उसके केस में आपका जो आप मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करते हो, नॉर्मल आप देखते हो कि स्टेबल कार्बोकोटाइन कहाँ पे बनेगा, वैसे ये ना ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये आपका बॉन्ड हटेगा भाई यहाँ से, है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नहीं, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन समझ गए होगे कि जब क्या किया होगा आपने, इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपने BR नेगेटिव का अटैक करवा दिया होगा, इसको मार्कोनिकोफ रूल बोला जाता है भाई, ठीक है, फिफ्थ का सी, यस बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, जगह आता फिफ्थ का सी। तो ये कार्बोकोटाइन से ही जाएगी भाई, ये भी कार्बोकोटाइन, ये देखो BR2 में मैंने आपको बताया था कि पहले ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, है ना, इसके बाद आपको BR को वहां पे लगा देना है ना, तो देखना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे लगाए, ठीक है, उसके बाद फिर इसका BR2 और वाटर ब्रोमिनेशन करवाना है, एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे लगते हैं, एंटी एडिशन होता है, ये भी आपका लाइक दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं जाता। हाँ,
अब आपको परोक्साइड दिखाई देगा, परोक्साइड इफेक्ट भी इसे बोलते हैं। अगर HBr के साथ आपको परोक्साइड दिख जाए तो उसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और वहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है आपको वहां पे अटैक करवाना पड़ता है जहां पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। उस डबल बॉन्ड पे Br का अटैक करवाइए जहां पे मोर नंबर ऑफ डबल हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू A, तो इसलिए यहां का आंसर भी आया। और ये पर ये आपका रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। और ये ओजोनोलिसिस है भाई, इसका कोई लिंक है नहीं यहां से, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता था वो सी बनता था। बिल्कुल सही है भाई, सी जिसने भी कहा उनका सही है बिल्कुल। वाओ, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको ये वाला कुछ दिखाई दे रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर पहले तो वो आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ये है कि फिनोल बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? फिनोल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ हुआ यहाँ पे भाई, इस रिएक्शन इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये हुआ हुआ, ये जो आपको ओ नजर आ रहा है इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, एच पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे ये हुआ होगा कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसने अटैक किया होगा इस एच पॉजिटिव पे, ठीक है, उसने इस एच पॉजिटिव पे आपका अटैक किया होगा। और एच पॉजिटिव पे अटैक करने के बाद ये क्या बन गया होगा भाई, देखो अब ये रहा ये, यहाँ पे आपका एच, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, दो पॉसिबिलिटीज है, कौन सा है? देखो बॉन्ड तो यही ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहां से हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH बन जाएगा इस पोजिशन पे, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद देखो भाई आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ गया और ये आपका OH है। अब यहाँ से क्या हुआ, हीट भी गिवन है भाई, यहाँ से आपको हीट भी गिवन है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इन दोनों के बीच में आपका ये डबल यहाँ पे, ये डबल यहाँ पे, ये डबल यहाँ पे और यहाँ पे OH का OH, तो यहाँ पे फिनोल की इस प्रकार से फॉर्मेशन हो गई होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आना था भाई। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है इस क्वेश्चन में, अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने जो ओ था उसका अटैक करवाया एच पॉजिटिव पे, उसके बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, हमने बॉन्ड को ब्रेक करना कहीं करो कोई इशू नहीं है, अल्कोहल बना, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई और उसके बाद हमने एलिमिनेशन हाइड्राइड यहां से हटा दिया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इस प्रकार से आपका फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आना था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाओ ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने क्लासरूम में ही करवाया था आपको, और ये क्वेश्चन है आपका डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हाल में ही आया था भाई एक एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका गेट 2020 में आया था, इसलिए मैंने वहीं से ये क्वेश्चन डाला है और इसको मैंने सोल्व भी करवा दिया था, तो ये तो आपका वैसे ही ठीक होना चाहिए था, इसमें तो कोई मिस्टेक आपने करनी ही नहीं चाहिए थी। देखो भाई सबसे पहले अगर ध्यान से देखा जाए, हमने इसको ध्यान दिया कि ये सी डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका डाइईन, डाइईन, ये डाइईन बन रहा है, ये ओन, डाइईन ओन, डाइनोन बन गया, और ये देखो R1 और R2 लगाया हुआ, ये आपका R1 लगा हुआ, ये आपका R2 लगा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होता था कि यहाँ पे आपने इस ऑक्सीजन का अटैक करवाया था, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का अटैक करवाया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, उसके बाद आपने ये वाला यहाँ से और यहाँ पे, इसके बाद वाला जो स्टेप होता था, इसके बाद वाला जो स्टेप होता था वो R1 R2 का माइग्रेशन करवाते थे। अब देखो भाई ये वाला तो बहुत ही बल्कि और रिजिड ग्रुप है काफी, तो ये तो माइग्रेट होने से रहा, तो यहाँ पे आपका मिथाइल का माइग्रेशन होगा और मिथाइल आपका यहाँ पे चिपक जाएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। वैसे भाई मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है तो इसलिए मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, हालांकि मैंने ये करवाया हुआ है। थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म बताना चाहूँ इस रिएक्शन का, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है भाई इस रिएक्शन का, है ना, अगर आपके पास मान लो इतना ही पार्ट है ये कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका एक पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सी डबल बॉन्ड सबसे पहले आपने क्या करवाया यहाँ पे, है ना, सबसे पहले तो आपने इसका अटैक इसके ऊपर करवाया, और इसका अटैक जैसे ही आप इसके ऊपर करवाओगे तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ये आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये, उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव करता है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो अगर आप इसको बना के दिखाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे OH आ गया,
यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये आपका एम ई यहाँ पे, और ये कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई होगी, इसके बाद आपने यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे फिनोल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो होता है माइग्रेशन वाला स्टेप, कि यहाँ से माइग्रेशन। वैसे मैंने रेट भी बताए हुए, तो ये पूरा ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ से आपका मिथाइल माइग्रेट करता और इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था भाई ए आना था, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको ऐसी चीजें करवाई है, है ना, फ्री रेडिकल की अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो वहां पे मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था, तो उसी तरीके से ये जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था, अगर ये कभी भी आपको दिख जाए ए एल बी एन आपका, है ना, एजोबिस आइसोब्यूटोनाइट्राइड, अगर ये दिखे और साथ में आपका ये टिन हाइड्राइड हो, तो यहां से आपका क्या बनता है। मगर मान लो कि आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, मैंने बताया था वहां पे कि अगर आप इसकी रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करवा देते हैं तो वहां पे आपका आर रेडिकल बनता है। क्या बनता है वहां पे आपका आर रेडिकल बनता है। तो सबसे पहला आपका आर रेडिकल, फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे तीन पांच टाइप के सबस्ट्रेट पढ़ाए थे कि भाई फिर वो इसके टाइप पे अटैक करेगा, तो वही कहानी यहाँ पे भी करनी है कि सबसे पहले जब भी आपको ये दिखे इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका ये देखो आयोडीन को हटा दो यहाँ से, ये रेडिकल बना दो। तो सबसे पहले आपने रेडिकल बना लेना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने रेडिकल बना लेना, तो ये वाला रेडिकल बनेगा। उसके बाद देखो यहाँ से इसको वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव, उसके बाद सिक्स, ना इसको मैं जूम कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एक बार इसको समझाने के लिए, इसके बाद क्या स्टेप होगा। उसके बाद आपको सी डबल बॉन्ड वो नजर आ रहा है भाई, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है आपको। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन मतलब जो जैम में दो तीन क्वेश्चन आते हैं ना काफी टफ लेवल के, जैम में तीन चार क्वेश्चन ही आते हैं इस लेवल के, अगर आ गया तो ये क्वेश्चन वहां पे बनेगा, वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के जरूर दूं ताकि आपके एग्जाम आए। तो देखो एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच, और उसके बाद देखो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज कर दीजिए, यहाँ पे रेडिकल बनेगा और दूसरा रेडिकल आपका यहाँ पे बनेगा। इस रेडिकल को, एक वाले रेडिकल को, ये आपका छह हो गया यहाँ पे, ये आपका सेवन हो गया, ये आपका एट हो गया, और ये आपका नाइन हो गया, और ये आपका टेन। इस फर्स्ट और इस सेवन को एड कर दीजिए, इस फर्स्ट और इस सेवन वाले रेडिकल को एड कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट और सेवन वाले रेडिकल को ऐड कर दीजिए। तो देखिए ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे भाई, अभी देखो मैं नेमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने नेमिंग सेवन दी थी, सेवन, ठीक है ना, देखो सेवन है ये, इसके साथ मैंने वन जोड़ दिया, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव। देखो यहाँ पे भी सिक्स नंबर पे आपको सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री नजर आ रहा है, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री नजर आ रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी रेडिकल बना हुआ, तो वो आपका इससे है ना आपका हाइड्राइड भी निकलता है ना, एच रेडिकल निकलता, वो इसके साथ जुड़ गया होगा, उसको आपने को ज्यादा वो बनाना नहीं है, आप एक बार वीडियो देख लेना अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे किया। छह बन गया भाई, छह के बाद यहाँ पे दस है, उसके बाद यहाँ पे नौ है, और उसके बाद आठ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ए आना था। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आर एक्स नजर आ रहा है यानी कि अल्काइल हैलाइड नजर आ रहा है उसका रेडिकल बना लीजिए, उसके बाद जो सी डबल बॉन्ड ओ है और जो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री उनके बीच में होमोलैटिक क्लीवेज कर दीजिए, और जो आपका फर्स्ट पे रेडिकल बना है एक्स हटने से तो वहां पे उन दोनों को जोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना वो ए आना था। ये भी भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आईआईटी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन मैंने गेट के एग्जाम से लिए क्योंकि गेट का पेपर भी आईआईटी डिजाइन करती है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, तो हो सकता है कि वो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से डाल भी दे। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया होगा भाई आप सभी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ ये क्वेश्चन वेरी अमेजिंग, बहुत जबरदस्त, इसमें आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एनबीएस और वाट, देखो एनबीएस और वाट, एनबीएस के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी अगर आपको याद हो, एनबीएस का जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो बातें एनबीएस के बारे में बताई थी कि अगर कभी भी आपको एनबीएस और वाटर नजर आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे ब्रोमीनियम आयन बनेगा, बीआर पॉजिटिव बनता है, याद है ना सभी बच्चों को। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको एनबीएस हीट या लाइट गिवन हो वहां पे क्या हो,
हीट या लाइट गिवन होता वहां पे बीआर फ्री रेडिकल बनता था और अलाइलिक पोजीशन पे उसका अटैक करवाते थे, याद है ना सभी बच्चों को ये वाली बात। तो एनबीएस और वाटर गिवन है सर, होमोलैटिक क्लीवेज COCH3 के बगल में क्यों हुआ? अच्छा अब ये बात देखो भाई, वैसे एक बात तो इसको समझिए कि यहाँ पे ही क्यों हो, कहाँ पे और करवाओगे आप मुझे ये बताइए, और कौन सी पॉसिबिलिटीज है आपके पास करवाने के लिए? यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास। दूसरी बात भाई, ये वाला जो बॉन्ड है अगर देखा जाए तो ये आपका जो है सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री नजर आ रहा है, तो इसी बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे जब भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। और ये दोनों ही किसकी तरह काम कर रहे हैं भाई, उन सब स्टेट की तरह काम भी कर सकते हैं, तो ये वाला बॉन्ड आपका इजिली ब्रेक हो जाएगा और इसी तरीके से हमें ये बनाना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आप ऑप्शन से देखिए और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है नहीं। देखो डी ऑप्शन को तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आई तो हट ही गया होगा, डबल बॉन्ड का कोई कनेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हमें कि डबल बॉन्ड बन जाए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये आप इसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो भाई बी आर पॉजिटिव हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पे बी आर पॉजिटिव और वाटर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ब्रोमिनेशन मतलब इसका आपने बी आर रेडिकल का अटैक करवा देना है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन जैम में आ सकता है, जैम में जो लेवल है थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट काफी आ गए भाई। अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी होगी। तो एक जगह आप बी आर लगाओगे यहाँ पे, और एक जगह आप यहाँ पे वाटर भी लगाओगे। क्या लगाओगे? OH, वाटर से क्या आया होगा OH। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, कि बी आर देखो, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे बी आर और OH, बी आर और OH आपका जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे NBS और वाटर है, तो यहाँ पे बी आर पॉजिटिव पहले तो देखो ये हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये बी आर ने यहाँ पे अटैक कर दिया होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आ गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव पे बी आर ने अटैक कर दिया हुआ और पॉजिटिव पे OH ने अटैक कर दिया हुआ, ये बन गया। उसके बाद K2CO3 गिवन है यहाँ पे, पोटेशियम कार्बोनेट गिवन है, तो पोटेशियम कार्बोनेट करेगा एक बेस का काम, किसकी तरह काम करेगा भाई? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 आपका किसकी तरह काम करेगा भाई? एक बेस की तरह काम करेगा। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो यहाँ पे आपका O, यहाँ पे आपका O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा और ये आपका Br आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शन, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये O नेगेटिव इस बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये Br नेगेटिव यहां से लीव कर जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, और फिर से मैं कहूंगा IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। दूसरे तक हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, इसके बाद वाला याद करो, इसके बाद वाला सेमी पीना कोलोन में मैंने ऐसी चीजें पढ़ाई थी आपको। देखो ये क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो प्योरली क्वेश्चन कार्बोकोटाइन का ही है, लेकिन इसमें NBS देके फ्री रेडिकल से कंफ्यूज कर रहा, बहुत सारे बच्चों को तो कहानी समझ में नहीं आएगी। इसके बाद आपको BF3 एंड OET, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, BF3 को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद देखना भाई यहाँ पे क्या बनेगा। डोनेट करने के बाद देखो यहाँ पे O, ये O, और यहाँ पे आपका लग गया है BF3EOAT पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका 5 मेंबर की रिंग एज इट इज लगी हुई है। इसके बाद वाला स्टेप आपको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा। अब यहां से आपको एक बॉन्ड को इसके बाद देखिए ध्यान से आप, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा था। तो यहाँ पे अब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, देखो ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक मिनट दोबारा से इसको मैं करता हूँ। ये एक मिनट थोड़ा सा समय लग रहा है, पहले मैं 6 मेंबर के बना लेता हूँ। जैसे आपने ये बनाया, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि O और इसके साथ आपका BF3OET लग गया होगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है? अगर एक बार इतनी बात समझ में आती तो बताएं, फिर उसके बाद वाला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, देखिए इसके बाद हम क्या करते थे कि ये OET जो है ये आपका कुछ यहां से अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा, ये
ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे माइग्रेट करेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ अटैक करेगा और ये वाला आपका यहाँ पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद देखिए कैसे क्या सिचुएशन आई होगी, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भाई। जैसे ही आप यहाँ पे अटैक करवाओगे तो इस बॉन्ड को आपने किस बॉन्ड को ब्रेक कर देना भाई, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया होगा। यहाँ पे आपका जो आ गया होगा वो नेगेटिव आ गया होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया होगा। तो ये वाला इन दोनों को जोड़ दोगे आप, इन दोनों को जोड़ते ही क्या बन जाएगा भाई यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा। किसी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आए तो वो बोलना, दोबारा से बता दूंगा मैं। तो इसके बाद आप इसे कुछ ऐसा बनाओगे कि यहाँ पे देखो, इसको एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज बना दो इसको, ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज बना दीजिए। ये बना दिया हमने यहाँ से। इसके बाद देखो यहाँ से 1, इसको मैं अगर 1 पोजिशन बोलूं तो एक मिनट रुको भाई, इसको थोड़ा सा और ठीक से बनाना पड़ेगा। इसको देखो 5 नंबर पे, ये हमारा 5 नंबर है, इस 5 नंबर पे आपकी दूसरी 5 मेंबर की रिंग जुड़ गई है। इस 5 मेंबर रिंग पे दूसरी 5 मेंबर की रिंग ये वाली जुड़ गई है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये जो 1 नजर आ रहा है, इस 1 पे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, इस 1 पे सी डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। देखो यार, एक ही क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट आपसे लगवा दिए। तो ऐसे क्वेश्चन है ना यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपके रैंक जो, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बच्चे सोल्व कर पाएंगे जब एग्जाम में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी आना था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताना, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी। सबसे पहले आपने यहाँ पे बी आर एंड ओ एच का एडिशन करवा देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देनी, इपोक्साइड बनेगा। इपोक्साइड बनने के बाद BF3 आपको नजर आ रहा है, इस टाइप की रिएक्शन सेमीपिनाकोलोन टाइप की होती है, इसको मैं काफी अच्छे से डिस्कस कर ही चुका हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा भाई, अगर एग्जाम में आता तो बड़ी परेशानियां हो सकती है आपको, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ये देखो, सबसे पहला आपका Br2 और वाटर है, तो ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा भाई, है ना। एडिशन, ब्रोमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एडिशन होता है, एलिमिनेशन नहीं, एंटी एडिशन। उसके बाद OH नेगेटिव होने से क्या हुआ होगा कि यहाँ पे O नेगेटिव, इसने यहाँ पे अटैक किया होगा और ये आपका यहाँ से Br बाहर निकल गया होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये है क्या बेसिकली। तो देखो इस रिएक्शन का पाथ क्या है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, सभी बच्चों के समझ में आ रही है भाई, कहानी आ रही है, बता देना भाई। तो सबसे पहले कहानी तो यहाँ पे ये हुई होगी, देखो कुछ ऐसा होता कि ये जो Br है, ये Br और ये Br, ये दोनों जुड़ गए होंगे एक साथ, ये Br पॉजिटिव, है ना। सबसे पहला तो ये कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे OH नेगेटिव ने अटैक किया होगा, अगर ये अब बिलो द प्लेन है तो OH नेगेटिव आपका अबो द प्लेन, यानी कि एंटी एडिशन होता है। तो ये वाली जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये वाला जो बॉन्ड है ये एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है और ये वाला अटैक करता है यहाँ पे इस Br के ऊपर, तो इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इससे ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बनेगा। दूसरा बोला गया है यहाँ पे कि दूसरा स्टेप जो है यहाँ पे वो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे OH नेगेटिव जब आप लोगे तो उसने प्रोटोन निकाला हुआ। अरे देखो जो लास्ट रिएक्शन में हुआ वही तो किया हमने सेम, कि ये O नेगेटिव और यहाँ से Br निकला, इसे भी तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन बोला जा सकता है। तो सेकंड स्टेप ये हुआ कि O नेगेटिव यहाँ से इसने अटैक किया और ये Br यहाँ से निकला है, तो ये इस प्रकार से बनेगा, इसे हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। क्या बोलेंगे भाई इसे? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, ठीक है, ओके, क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाओ, ये क्वेश्चन बताइए पहले तो मुझे, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि ये रिएक्शन कौन सी है, है ना। सभी बच्चे मुझे ये कमेंट करके बताएं कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो देखो ये सिंपल आपके पिनाकोल रिएक्शन है भाई, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिया गया है, तो ये आपका पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है और बड़ा आसान है इसका प्रोडक्ट बनाना, तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी नहीं होगी, जो भी स्टूडेंट जिनके कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको भाई यहाँ से OH इसका अटैक करवाना था और प्रोटोन बनाना, आपका कार्बोकैटायन बनाना था, तो वो तो आप कहीं पे भी बना लीजिए, है ना, वो तो आप कहीं पे भी बना लीजिए, यहाँ पे इनमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे हमने भाई Me लिया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका OH और ये आपका यहाँ पे क्या आ गया? Me आ गया। इसके बाद क्या करते थे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, काफी अच्छा आंसर दे रहे हो। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता था भाई? यहाँ से माइग्रेशन होता था,
है ना, माइग्रेट करवाते थे, तो किस बॉन्ड को माइग्रेट करवाओगे भाई, किस बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड को माइग्रेट करवाइए, ये एक एम ई लगा हुआ है और दूसरा ये लगा हुआ, तो यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव दिखाइए और यहाँ पे पॉजिटिव दिखाइए, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, तो एक दो तीन चार और पांच, उसके बाद छह वाला ये हो गया, यानी कि चार, पहले तो पांच मेंबर की रिंग बनेगी, पहले तो आपका पांच मेंबर की रिंग बनेगी, पांच मेंबर की रिंग बना लो, तो हमने फाइव मेंबर की रिंग बना ली भाई सबसे पहले। उसके बाद देखो वन पोजीशन पे एम ई लगा हुआ, लगा दिया, और अब ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है भाई, तो इस वन पे ही तो आपका सी डबल बॉन्ड ओ एम ई लगा हुआ है, इसी पे तो आपका सी डबल बॉन्ड ओ एम ई लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो बी आना था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो बी आना था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो बी। बताओ भाई सभी बच्चे समझ में आ गई कहानी? सबसे पहले पिनाकोल, पिनाकोलोन आपने बना लेना है, उसके बाद आपका, मैंने इस तरीके की कहानी आपको बताई है, इस तरीके की कहानी आप समझ जाओगे अच्छे से, ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। ओके सर, यहाँ पे सी एच का माइग्रेशन क्यों नहीं हुआ? अरे सी एच का माइग्रेशन कैसे होगा भाई, एक आपका मिथाइल है टू डिग्री, तो पहले थ्री डिग्री का माइग्रेशन, ये आपका टू डिग्री है ना भाई, ये आपका टू डिग्री है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती उसी का माइग्रेशन करवाते थे, तो ये आपका मिथाइल से बढ़िया तो इसका माइग्रेशन करवाएंगे, मिथाइल से बढ़िया तो इसका माइग्रेशन करवाएंगे, और दूसरी बात इस मिथाइल का माइग्रेशन करवा के, और थोड़ा सा आपको ऑप्शन से भी अप्रोच लेनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी आपको ऑप्शन से भी अप्रोच लेनी पड़ेगी। देखिए इस चीज को, तो यहां से इस एम ई का माइग्रेशन नहीं होगा, और एम ई का माइग्रेशन अगर आप यहाँ पे करवाओगे तो दो एम ई लग जाए, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ लग जाए, तो ऐसा यहाँ पे होने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको इसी बॉन्ड, ये टू डिग्री टाइप का नजर आ रहा है आपको, है ना, तो है तो ये भी टू डिग्री टाइप का, लेकिन ये अल्को इसी का आप माइग्रेशन, ये वन डिग्री है, ये मिथाइल है और ये आपका टू डिग्री है, तो इन दोनों को देखोगे ना तो टू डिग्री, यस वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया जगह था आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट को शायद समझ में आया हो। देखिए यहाँ पे कितनी बार हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है वो बात आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास सिर्फ टू अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करवा देते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग जैसे ही हुई यहाँ पे ये रहा, तो इसके पास हो गए भाई तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो पहले से कितने हो गए यहाँ पे, पहले तो दो अल्फा हाइड्रोजन थे अब तीन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्टिंग, यस, तो ये हमारा एक वन टू शिफ्ट हो गया भाई, ये हमारा वन टू हाइड्राइड शिफ्ट होगा पहले स्टेप में, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप की अगर बात करें, अब इसकी अगर मैं बात करूं तीन अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं यहां से इस इथाइल को, इस इथाइल वन टू इथाइल शिफ्टिंग करवा देता हूं, क्या वन टू मैंने इस बार इथाइल शिफ्टिंग करवा दी भाई, तो वन टू इथाइल शिफ्टिंग करवाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा, तो जैसे आपने वन टू इथाइल शिफ्टिंग करवाई होगी यहाँ पे, जैसे ही वन टू इथाइल शिफ्टिंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव, तो ये वन टू इथाइल शिफ्टिंग है। इसके बाद देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो देखो अगर मैं बात करूं तो ये दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ वाले, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ वाले, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ वाले और दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ वाले, कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई यहाँ पे, छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं आपके पास, तो सेकंड आपने ये करवाया है, सेकंड आप ये वाली पॉसिबिलिटी यहां से करवाओगे। इसके बाद तो एक हाइड्राइड शिफ्ट ये हुआ पहला, दूसरा आपने वन टू इथाइल शिफ्ट करवाया, तीसरी बार आप वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए, सॉरी यहाँ पे दो नहीं आएंगे भाई, ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे आपका दो नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन, फिर भी पांच बन जाएंगे भाई, फिर भी फाइव बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, फिर भी फाइव अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ से, कि इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा दीजिए, फिर से वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए, तो यहाँ से हमने करवा दिया वन टू हाइड्राइड शिफ्ट, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद देखिएगा ध्यान से क्या बनेगा यहाँ पे, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट आप जैसे ही करवाओगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आपका बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके अल्फा हाइड्रोजन देखिए कितने बनेंगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन तीन, तो ये रहे भाई साफ साफ तीन अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, दो अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, तो कुल मिला के छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए, पांच से छह अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से फिर से वन टू शिफ्टिंग हो जाएगी,
तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओवरऑल कितनी 1-2 शिफ्टिंग करवा सकते हो आप यहाँ पे, है ना, चाहे वो इथाइल हो, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हमने शिफ्टिंग करवाई होगी, ओवरऑल यहाँ पे जो हमने शिफ्टिंग करवाई होगी वो 3 शिफ्टिंग हुई होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जब आप इसको हीट करोगे, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया भाई, इसके बाद आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपने हाइड्राइड निकाल देना और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये वाला आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके भाई, क्लियर है सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था भाई, अगर जैम में इंटीजर टाइप में आया तो बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे आप थर्ड को सोचने में थोड़ा सा मतलब सोच सकते हैं, काफी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई फटाफट से। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी स्टूडेंट को होनी नहीं चाहिए मे भी। तो देखिये सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, यहाँ पे और कोई रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं है। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना, जो है वो दो डबल बॉन्ड और वो दोनों डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, दो डबल बॉन्ड और दोनों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कार्बोकैटायन को। यहाँ पे देखिए नो रेजोनेंस, यहाँ पे आपका कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। इसके बाद जो आप लिखोगे, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी कोई रेजोनेंस। तो सबसे स्टेबल तो हमारा 2 वाला हो गया भाई, सबसे स्टेबल 2 वाला, उसके बाद 1 वाला, है ना। इससे ये तो क्लियर हो जाता कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा, ये तो क्लियर हो जाता कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा। उसके बाद अब बात करते हैं इन दोनों में से, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं दो अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 1 4, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास अगर देखोगे 1, और इसके पास अगर देखोगे 2, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये इसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद लीस्ट जो आपका हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और उसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, कोई अच्छा मतलब बेसिक क्वेश्चन इसको मानेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला गया कि NBS एंड क्या गिवन आपको, लाइट गिवन है। इसका मतलब है कि आपको अलाइलिक पोजिशन पे BR जोड़ देना है। इसका मतलब क्या है कि अलाइलिक पोजीशन पे BR जोड़ दो, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे आपको 2 अलाइलिक पोजीशन नजर आ रही होंगी, यहाँ पे आपको 2 अलाइलिक पोजीशन, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक आप रेडिकल आप यहाँ पे बना सकते हो, या दूसरा इसका रेडिकल बनाओगे तो वो इसके रेजोनेटिंग, देखो दूसरा जो रेडिकल आप बना सकते हो यहाँ पे वो आप, ये भी एक अलाइलिक पोजीशन है, ये भी अलाइलिक पोजीशन है, तो ये तो एक ही बात, ये नहीं, दोनों डिफरेंट है, ये रहा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ से ये हो गई, 2 पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ से ये होगी। उसके बाद यहाँ पे H2O और K2, ये H2O और पोटेशियम बाइकार्बोनेट गिवन है, तो यहाँ पे आपको उसके बाद पहले तो आपने यहाँ पे BR लगा दिया हुआ, यहाँ पे भी BR लगा दोगे, यहाँ पे भी BR लगा दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक करवाना था, उसके बाद आपको यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक करवा देना था, तो ये 2 BR आप बनाओगे। यहाँ पे कोई गड़बड़ी है क्या भाई? एक तो आपकी अलाइलिक पोजिशन ये वाली होगी और दूसरी अलाइलिक पोजीशन, तो दोनों बन सकती है, दोनों बन सकती है। लेकिन देखो अब ये बना, इसके ऊपर हमने OH नेगेटिव का अटैक करवा दिया, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये BR यहाँ से बाहर निकलेगा। हो तो ये भी सकता है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं गिवन है, ये हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं गिवन। तो यहाँ पे आप OH लगा दीजिए और यहाँ पे आप एज इट इज रखिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका ए बन जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है हमारे पास। हाँ हो सकता है ये भी बने, क्योंकि ये भी एक अलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे भी BR लग सकता है, यहाँ पे भी OH लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में ही यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ए आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, वाओ। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और हालांकि आपको इसके ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन भाई ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डी ऑप्शन पे चलता हूं, तो ये आप सभी को नजर आ रहा है कि ये आपका पिनाकोलोन फॉर्मेशन है। कौन सी? पिनाकोलोन। मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पे इसका रेडिकल बनाओगे, इसका रेडिकल बनाओगे और इन दोनों रेडिकल को जोड़ दोगे, है ना, याद है ना, इंट्रामोलिकुलर पिनाकोल फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ईथर गिवन, मैग्नीशियम अमलगम गिवन होता था। तो ये रेडिकल अनायन है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। पहली बात तो डी का ये करेक्ट है कि टी आएगा भाई, डी का इतना तो करेक्ट आ गया कि टी आएगा। तो ऐसा देखो कि डी का टी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे ना ऐसे क्वेश्चन में, बड़ी अप्रोच मिलेगी। तो ये भी काट दो भाई, ये भी नहीं पॉसिबल होगा। फर्स्ट केस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी लेस होगा सर, इसलिए ऑप्शन नहीं है शायद। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं करनी है, पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने तो वो बात है ना, तो बन तो सकता था वो, लेकिन इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया वो उन्होंने, तो ये दोनों ऑप्शन हमने हटा दिए। देखो अगर इतनी बात आप कर पाए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे टी है, अब एस तो देखना ही नहीं, अगर टी का नफरे में तो एस तो देखना ही नहीं, तो ये तो बात समझ में आएगी कि ये रीअरेंजमेंट है। क्या आर पॉसिबल है, क्या इस केस में आर पॉसिबल है, डी में आर पॉसिबल है? नो, डी में कोई आर पॉसिबल नहीं है, डी आपका पिनाकोल फॉर्मेशन है, वो रेडिकल अनायन मैकेनिज्म से जाती है, रेडिकल से, तो ये आपका हटा दो भाई, आर वाला तो हटा दो बस, क्वेश्चन करेक्ट, सी आंसर आएगा इसका। सिर्फ एक ऑप्शन पकड़ा मैंने, उसका आंसर सी निकाल दिया। अब देखो और भी मैं आपको क्लियरिटी देता हूं थोड़ा सा, अब सेकंड इसके ऊपर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं HNO3, देखो यहां पे आपने क्या किया हुआ, यहां पे आपने कुछ ऐसा किया हुआ कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहां पे मैंने बताया था अगर 4 मेंबर रिंग के डायरेक्टली पे पॉजिटिव चार्ज आए तो वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है और उससे आपका CPM बनता, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, और वो हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, इसलिए यहां से आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ए में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ए का क्या हुआ आना चाहिए भाई, ए का क्या हुआ आना चाहिए, तो ए का क्या हुआ अभी रहा भाई, देखो इस ऑप्शन में, एक मिनट भाई, तो ये मिस्टेक लग रही है मुझे, देखिए भाई इसका आंसर क्या दिया गया था भाई, वैसे वहां पे इसका आंसर क्या दिया गया था एक बार बताएं, RST कार्बोटेन भाई, ये तो पहले ऑप्शन में गड़बड़ी कर रखी इन्होंने, ये ऑप्शन में गड़बड़ी है भाई, वैसे ऑप्शन में गड़बड़ी कर रखी है भाई, पहले का क्यों कंफर्म है कोई चक्कर ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो एक ही कहानी है, उनका तो सेम ही लगाना पड़ेगा, बस ये फर्स्ट और इसकी कहानी सेम है, आर एस आना था, आर एस टी नहीं, इसमें टी हटा दीजिए बस, है ना, बी होगा देखें, बी की पॉसिबिलिटी देख लेते भाई फर्स्ट से, क्या आर एस ठीक है भाई, बिल्कुल रिंग कॉन्ट्रैक्शन कार्बोक्टाइल रीअरेंजमेंट, तो ये आपका करेक्ट है, ये यहां से करेक्ट ये नजर आ रहा भाई, क्या होगा, तो एस कैसे हो सकता भाई, आर कैसे हो सकता है डी का, अच्छा एक मिनट रुक जाओ भाई, अच्छा इसमें लास्ट में वो दे रखा भाई, इसमें आप ये समझिए, देखो हाँ सही कह रहे हो भाई, इसमें आपका ना पिनाकोल बनवा के एच पॉजिटिव और H2SO4 भी दे रखा है, यहां से ध्यान से देखिए, पहले तो पिनाकोल बनवा लिया यहां पे, उसके बाद एच पॉजिटिव और H2SO4 भी गिवन है, इसका मतलब आपका पिनाकोल फॉर्मेशन करवा के पिनाकोलोन भी बनवाया गया है, तो फिर कार्बोकैटायन भी पॉसिबल है, तो RST आएगा भाई, सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, बी आएगा इस क्वेश्चन का, बी कन्फर्म है ना, क्यों, क्योंकि एच पॉजिटिव और H2SO4 भी गिवन है, इस बात के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो RST के कार्बोकैटायन भी, रीअरेंजमेंट भी और टी भी है ना, उसके बाद इसका एस आएगा ओनली, सी का एस रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट ये कौन सी रिएक्शन भाई, अगर आपसे कोई पूछे दिस इज योर बैकमैन रीअरेंजमेंट, कौन सी है भाई, ये आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट है, इसे पढ़ाएंगे तो ये तो नाम में ही आ रहा है कि रीअरेंजमेंट है, नाम में ही आ रहा है रीअरेंजमेंट है, इसलिए हमने एस कहा, उसके बाद पी क्या, पी आर एस हो जाएगा भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पी आर एस रिंग एक्सपेंशन, बी में रिंग एक्सपेंशन आप नहीं करवा सकते यार, बी में रिंग एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल होगी, बी में रिंग एक्सपेंशन, इनमें ऑप्शन में ही गड़बड़ी लग रही है भाई, PRS ये ठीक है, PRS यहाँ पे क्या RS आना चाहिए था बी में भी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल भी बी सही लग रहा है, यहाँ पे मे बी पी की जगह आपका क्या आना चाहिए था क्या RS, फिर करेक्ट होता है ये, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ही लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं कुछ MS2 टाइप के क्वेश्चन की, ये तो हमारे MCQ थे, अब हम MS2 टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये रहा, इन द गिवन NBS, इसमें MSQ है भाई, MSQ का आप सभी को पता होगा कि एक से ज्यादा आंसर होंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो इसकी अलाइलिक पोजीशन दिखाइए, है ना, NBS है तो यहाँ पे आपसे बोलेगा इट गिवस टोटल 9 अलाइलिक ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स, यस ये बिल्कुल सही होगा, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लो जो भी आपको दिखाई दे रही, ये डबल बॉन्ड, एक ये रेडिकल बन सकता है पहला, उसके बाद दूसरा देखिए आप दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, दूसरा आपका ये वाला रेडिकल बन सकता है, और तीसरा जो आपका वो ये भी अलाइलिक रेडिकल बनेगा, ये भी अलाइलिक पोजीशन है, तो ये तीन रेडिकल हमें नजर आ गए, सभी को ये बात समझ में आई भाई, ये तीन रेडिकल हमें नजर आ गए, अब क्या करो,
अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, नीचे बना देता हूँ यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रही और यहाँ पे आपने रेडिकल बना देना है। उसके बाद इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये रही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रहा रेडिकल। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए तो ये रही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसी आ जाएगी। तो ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से इसको हम काउंट फिर नहीं करेंगे, इसको हम काउंट फिर नहीं करेंगे। अब इन्होंने बोला इट गिव्स टोटल 9 एलाइलिक ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स। अब जहां पे भी आपने रेडिकल बनाया वहां पे ब्रोमीन लगा दो, ये ब्रोमीन लगाया भाई यहां पे, ये ब्रोमीन लगाया भाई यहां पे, ये ब्रोमीन लगाया भाई यहां पे, ये ब्रोमीन लगाया यहां पे, ये ब्रोमीन लगाया यहां पे, और ये आपके 5 इस टाइप से आए। अब देखो भाई, अब आपको देखना है कि कौन क्या है, है ना, काइरल कौन है, तो ये भी काइरल है भाई, ये वाला काइरल है, तो यहां से 2 प्रोडक्ट निकले होंगे, ये अकायरल है यहां से 1 ही निकला होगा, ये भी काइरल है यहां से भी 2 निकले होंगे, ये भी काइरल है यहां से भी 2 निकले होंगे, ये भी काइरल है यहां से भी 2 निकले होंगे, तो देखो कितने हो गए भाई, 8 और 1 9, 9 प्रोडक्ट बन गए। बताइए सभी बच्चे समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 2 इसके बाद 1 2 उसके बाद 1 2 ये रहा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, 6 फ्रैक्शन आर ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर। जब आपने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है तो क्या आपको 6 फ्रैक्शन मिलेंगे? नो, 5 फ्रैक्शन मिलेंगे भाई। कितने? 5 फ्रैक्शन, 6 फ्रैक्शन नहीं मिलेंगे, 5 फ्रैक्शन मिलेंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने? सबसे पहला देखो, ये आपका एक रेजमिक, ये आपका क्या बनेगा, इनेंशियोमर पेयर बनेंगे भाई, आर और एस बनेंगे। तो आर और एस में ये आपका एक ही फ्रैक्शन दिखाई देगा, तो एक फ्रैक्शन ये रहा भाई, एक फ्रैक्शन आपका ये रहा भाई, 2, तीसरा फ्रैक्शन आपका ये रहा भाई, 4th फ्रैक्शन आपका ये रहा, और 5th फ्रैक्शन आपका ये रहा। 5 ही फ्रैक्शन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, 6 फ्रैक्शन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे, 6 यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बोला गया है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हैज 7 एलाइलिक हाइड्रोजन। यस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी कैसे भाई, अभी एक्सप्लेन करता हूं। ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। तो देखो अगर मैं बात करूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 ये रहे भाई, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 3 और 2 5 और 2 ये रहे, तो यहां पे सबस्ट्रेट है 7 एलाइलिक हाइड्रोजन। यस, यहां पे 7 एलाइलिक हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के ऊपर जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन्हें एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे, तो इसलिए ये सी भी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, Nb has as a brominating agent for allylic position। यस, बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो ए, ए के बाद सी और सी के बाद डी, ए सी डी आना था भाई। क्या आना था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ए सी डी आना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ गए, समझ गए भाई, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने कर दिया हुआ, जो भी थोड़े से समझदार है उन्होंने तो बिल्कुल किया हुआ। सबसे पहले क्या ये वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? यस, सबसे पहले क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया हुआ, ये वाली पॉसिबिलिटी, ए बिल्कुल पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया होगा, जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिव और वहां पे ये बी भी पॉसिबल है भाई, ए भी पॉसिबल है और बी भी पॉसिबल है। उसके बाद समझिए, उसके बाद समझिए क्या होगा, क्या इस 4 मेंबर रिंग के डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज है? यस। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन में पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव और दूसरी जगह नेगेटिव दिखाते थे, इनको जोड़ देते थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये करवाने के बाद आपका डी पॉसिबल होगा, सी कोई पॉसिबल नहीं होगा, सी कोई पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बी डी आना था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बी डी आना था। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को बात, अगर नहीं आई तो बता देना भाई, आसान है ये, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेडिकल मैकेनिज्म अकर। तो भाई देखो, ए एल बी एन और आपका ये रहा, ये तो आपका बी, ये तो रेडिकल मैकेनिज्म से जाता ही है। मैंने आपको बताया था कि बी आर, यहाँ से जब भी आपको आर एक्स दिखे अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आर रेडिकल बनाओ और इससे एच रेडिकल निकल के आएगा, दोनों को जोड़ दो अगर कोई सब्सट्रेट नहीं है। तो ए में बिल्कुल रेडिकल मैकेनिज्म है, ए में बिल्कुल रेडिकल मैकेनिज्म है, सी कार्बो, बी कार्बोकोटाइन से जाएगी भाई, बी कोई रेडिकल मैकेनिज्म नहीं। H2HCl और H2O2 ये आपका कार्बोकोटाइन से ही होता है, सिर्फ HBr जब होता ना,
HBr और H2O जो H2O2 होता है वहीं पर रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है, HCl के केस में नहीं होता, HI के केस में नहीं होता, सिर्फ HBr और H2O2 होता तो रेडिकल मैकेनिज्म होता, यहां पे नहीं होगा। इसके बाद देखो भाई Hornsleker नेम रिएक्शन है, हां Hornsleker नेम रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड OH को Br में कन्वर्ट कर दो Br टू CCl4 की, यहां पे भी रेडिकल में पढ़ाई थी मैंने ये। और इसके बाद मैग्नीशियम ईथर और H पॉजिटिव, ये आपका पिनाकोल फॉर्मेशन हो गई भाई, यह आपका पिनाकोल फॉर्मेशन हो गई, पिनाकोल फॉर्मेशन, इसका करेक्ट आंसर ए सी डी आ जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर ए सी डी आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ ये क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए भाई H2SO4H पॉजिटिव है, तो यहां से आपने क्या करना, यहां से आपने ये करना कि इसका यहां से ये निकल गया हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना कि इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो कि ये H ये जो पॉजिटिव चार्ज है और यहां से हाइड्रोजन आप निकाल दो ना, यहां से H पॉजिटिव, यहां से हाइड्रोजन आप निकाल दो तो BP पॉसिबल हो जाएगा। यस बन सकता है, हमसे तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं ना, हमसे कोई मेजर प्रोडक्ट तो पूछा नहीं जा रहा, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल पी पॉसिबल है। तो जहां पे भी पी पॉसिबल है, क्या मैं इस डी को काट दूं, मतलब नहीं हो सकता कि आपका डी भी हो भाई, है ना। एक बार देख लेते कौन कौन से पॉसिबल है, तो पी बिल्कुल पॉसिबल होगा भाई, यहाँ पे पी आपका बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये वाला पॉसिबल होगा भाई, यहाँ पे देखिए इसकी कोई पॉसिबिलिटी कोई नजर आती नहीं है। देखो उसके बाद आप क्या करवा सकते हो, हाँ हो सकता भाई, देखिए ये एच पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो आप इसका, देखो नीचे करके दिखा रहा हूँ भाई, नीचे करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया यहाँ पे कि एच यहाँ पे चला गया और ये आपका मिथाइल CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो और यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, हमसे तो पॉसिबल प्रोडक्ट, तो ये बी भी क्या वो भी बन सकता है, क्या वो बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद ये वाला पॉसिबल होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाए, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये हाइड्रोजन निकल सकता है, क्या वो भी ये वाला भी पॉसिबल होगा। दो क्या वो कैसे आ गए भाई, पी क्या वो आर आएगा ये शायद, है ना, ये आपका भाई आर आना चाहिए यहाँ पे आर, ठीक है। उसके बाद क्या ये एस पॉसिबल होगा, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता था तो एस भी पॉसिबल होगा, पी क्या वो आर एस भी पॉसिबल होगा। उसके बाद क्या ये पॉसिबल होगा कि टी, टी की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, टी की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होगा नहीं वहां पे, हाइड्राइड शिफ्ट वहां पे होगा नहीं क्योंकि उतने ही आ जाएंगे आपके जितने के यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई हाइड्राइड शिफ्ट आप करवाओगे नहीं इस पॉसिबिलिटी में, या करवा सकते हैं देख लेना भाई, नहीं करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। तो इसका पी क्या हो, पी क्या हो गया भाई, उसके बाद जो मैंने आपको बता दी है कहानी, इसका आंसर जो आपने लगाना ए बी सी लगाना भाई, क्या लगाना है ए बी सी आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये वाली कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। ए पी क्या हो आर, पी क्या हो आर एस, ये सारे पॉसिबल होंगे, पी क्या हो आर एस पॉसिबल होंगे, तो ऐसा हमको नजर आ रहा है ए बी सी ऑप्शन में, कहां पे नजर आ रहा है ऐसा हमें ए बी सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, कहां पे ए बी सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अच्छा ये तो इसका सोल्यूशन ही हो गया भाई, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, चूज द अनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। B2H6 एंड OH नेगेटिव H2O2 सिन एडिशन, यस बिल्कुल ये बात तो सही है कि सिन एडिशन होता है, जो H और OH जुड़ते हैं वो सिन एडिशन, ये कौन सी रिएक्शन भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये कौन सी भाई आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहां पे सिन एडिशन होता है, HBH3 से आता है। और क्या OH सॉल्यूशन से आता है, नो OH सॉल्यूशन से नहीं आता है, OH तो H2O2 से आता है, अगर आपको इसका मैकेनिज्म याद हो तो OH तो आपका H2O2 से आता है, तो ये आपका B बन जाएगा भाई, सिन एडिशन होगा H एंड HBH3 से आएगा एंड OH आपका H2O2 से आएगा, ठीक है। क्या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस प्रोडक्ट बना लो, इसका प्रोडक्ट आप बना सकते हो, एक मिनट देखना पड़ेगा भाई, एक मिनट देखना पड़ेगा कि इस पोजीशन पे आपने क्या यहाँ पे क्या लगाना है, देखो एक H लगता था और एक आपका OH लगता था, यहाँ पे आपका H लगेगा क्योंकि आपने इस बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेक किया होगा और यहाँ पे आपका OH लगेगा, इन दोनों का हमने क्या दिखाना था, ये भी सेम दिखाना था और ये भी हमें सेम दिखाना था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस बिल्कुल कायरल आपको नजर आ रहा है, ये दोनों कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई POS प्रेजेंट है नहीं। एडिशन फॉलो एंटी मार्कोनिको फ्रूल, तो क्या कोई एंटी मार्कोनिको फ्रूल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिको फ्रूल नहीं, हमें क्या बताना है, चूज द अनअप्रोप्रिएट बताना भाई, अनअप्रोप्रिएट बताना है,
एक मिनट देखिए ध्यान से, यहाँ पे अनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बतानी है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट नहीं बतानी है। तो यार ऑप्टिकल एक्टिव ये होगा या नहीं होगा ध्यान से देखिए। चूज द अनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स, बी पॉसिबल है, सी पॉसिबल नहीं होगा भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, है ना। तो इसका जो आंसर दिया गया ना हमसे, तो अनअप्रोप्रिएट पूछा, तो मैं बता देता हूँ आपको भाई, अनअप्रोप्रिएट एक तो ए आ जाएगा, है ना, कि ये पॉसिबल नहीं है, हमको तो अनअप्रोप्रिएट बोला है ना, अनअप्रोप्रिएट बोला, तो बी ए, एक तो ए रॉन्ग स्टेटमेंट है और एक सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी क्या है, एडिशन ऑफ फॉलो एंटी मार्कोनिकोफ रूल, तो ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर रहा है, जो OH ऐड हो रहा है वो आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो आपका ए बी और डी तो सही है, ए और सी में रॉन्ग। अब ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, ये सही है, यस एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, यस, वही तो मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर जो है ना ए और सी आना था भाई, ए और सी यहाँ पे अनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब सी को हमने रॉन्ग क्यों बोला, इसको आपको देखना पड़ेगा कि सी को हम रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो सी को रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है ना आपका रेजमिक मिक्सर बनेगा, ये क्या बनेगा, आपका रेजमिक मिक्सर बनेगा। अगर ये देखो यहाँ पे ये जो सी एच थ्री है वो बिलो द प्लेन रहा होगा, यहाँ पे जो सी एच थ्री वो बिलो द प्लेन रहा होगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो अगर इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। आर और एस ये इंटरनल कंपनसेशन के हेल्प से, इंटरनल यहाँ पे कंपनसेशन होगी, तो उसकी वजह से आर और एस मिक्स मिलके क्या बनाएंगे, इसे इनएक्टिव बना देंगे ना, ऑप्टी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना कि एक्टिव, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए और सी हमने लगाया भाई। चलिए भाई नेक्स्ट, अब हम एनएटी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये देखो इसका सॉल्यूशन भी गिवन है यहाँ पे, ए और सी है, OH comes from H2O2 and ये वाली पूरी यहाँ पे समझाई गई है, ये enantiomers बनेंगे, इसलिए ये आपका rhizmic mixture बन जाएगा भाई। Next question देखिए भाई, अब हमारे पास NAT आ गए हैं, अब हमारे पास NAT question आ गए हैं, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि how many, ये मैंने NAT में डाला था भाई वहां पे, तो हालांकि how many 1 to 15, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 to 15 की बात करें तो यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं क्लास में करवा चुका हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन DU में भी आया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे सबसे पहले आपका ये है कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई, है ना, उसके बाद 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, उसके बाद आपने यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवाया, और रिंग एक्सपेंशन भी एक टाइप की हाइड्राइड शिफ्टिंग ही होती है, रिंग एक्सपेंशन भी एक टाइप की हाइड्राइड शिफ्टिंग ही होती है, मतलब 1 to 2 शिफ्टिंग होती है, 1 to 2 शिफ्टिंग। इसके बाद आपने यहाँ से 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से करवाया, 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से करवाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करवा दिया भाई, इसके बाद आपने यहाँ पे ये और ये करवा दिया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 3 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, कहाँ पे करवाया मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये कि इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे बनाओगे तो इस पॉजिटिव चार्ज से 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि ये एक डबल बॉन्ड तो आप यहाँ पे लगाओ, अगर यहाँ पे ये आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी तो 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, सिस ट्रांस, और दूसरा जो आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये कोई ज्योमेट्रिकल शो करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स से हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो मैं ए ऑप्शन को शायद मैंने ऐसा पूछा था कि एक्स प्लस वाई, है ना, मैंने वहां पे एनईटी में ऐसा मिला के बोला था कि एक्स प्लस वाई का सम बताइए, है ना, एनईटी में ये क्वेश्चन ऐसे बना गया था कि जो एक्स और वाई आएंगे उनका सम बताइए। तो एक्स हमारे पास जो नजर आ रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स कितने हो गए, 3 हो गए भाई। इसके बाद हमने इसका क्या करवाना, Br2 और Cl के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, तो कैसे करवाएंगे भाई यहाँ से, तो देखिए कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे Br2 के साथ। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसा का ऐसा हमने रखा, ये Me रखा, एक बार आप Br को यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, Br यहाँ पे लगेगा, एक बार आप Br को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से कुल मिला के आपके पास 6 पॉसिबल प्रोडक्ट और आ जाएंगे, ठीक है, 6 आपका सिस्ट्रा जोमेट, ये ज्यादातर ऑप्टिकल शो करेंगे भाई, यहाँ से ये क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल शो करेंगे, ये भी जैसे ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, इसकी दूसरी फॉर्म बनाओगे वो भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगी, तो इन 3 से 6 मिलेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 9 आना था, 3 + 6 = 9, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, मैंने इसमें शायद आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा था वहां पे, किसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए कि क्या होगा, है ना, कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा। तो देखिए वहां पे मैंने इसको कुछ ऐसे बनाया था कि ये जो NBS है
तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा दिया होगा अलाइलिक पोजीशन पे, अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवा दीजिए, ये रहा, यहाँ पे आपका Br जुड़ गया। उसके बाद हमें पता कि Na ether dry ether वुड्स रिएक्शन करवा देनी है, और वुड्स रिएक्शन के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आया होगा वो आपका ये वाला प्रोडक्ट आ गया होगा भाई। फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिला होगा वो आपका कुछ ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया होगा। मैंने पूछा था इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैंने पूछा था, तो यहाँ पे एक दो तीन चार, चार रिंग हो गई और दो डबल बॉन्ड हो गए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिक्स आना था, यहाँ पे छह डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएंगे, यहाँ पे आपका सिक्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएंगे। कितने? सिक्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला गया इसमें कि आपको प्रोडक्ट एक्स बताना है और प्रोडक्ट वाई बताना है, फिर आपको बताना है कि पी में कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा मान लो, तो आपको बताना पी इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एक्स एंड क्यू इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन वाई। तो इन दोनों के प्रोडक्ट बना लेते हैं भाई फटाफट से। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, हालांकि मुझे तो पता है कि सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना होगा आपका, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बना होगा, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन हो गई होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड आपका कहाँ कहीं यहीं पे आएगा इनके बीच में। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको खूब सारे प्रैक्टिस करवाए थे। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपका दो, इसके बाद दो ये वाले, दो ये वाले और दो ये वाले, कुल मिला के आपको यहाँ पे दो और दो चार, दो छह, दो आठ, आठ अल्फा हाइड्रोजन आ गए। यानी कि पी की वैल्यू तो हमारे पास एट आ गई, पी की वैल्यू तो हमारे पास एट आ गई। ये आपका डाइनोल फिनोल टाइप से ही होगी, इसको भी आपको कुछ इस तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये रहा, और उसके बाद ये सी एच थ्री यहाँ पे आ जाएगा, ये सी एच थ्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आएंगे वो नाइन, कितने? नाइन अल्फा हाइड्रोजन नजर आएंगे, नाइन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब अगर आप करोगे तो नाइन नाइन, देखो तो यहाँ से आपसे क्यू माइनस ये पूछा, तो नाइन माइनस में आपने क्या कर देना, एट। नाइन माइनस में क्या कर देना, एट। देखो नाइन कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इस डबल बॉन्ड के लिए निकाल लो पहले, तो इस डबल बॉन्ड के लिए तीन हो गए, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए। इसी प्रकार इस डबल बॉन्ड के लिए कितने हो गए भाई, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आप जो है वाई के जो है आपके पास कितने आ जाएंगे, नाइन अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। वाई के अंदर एक और डबल बॉन्ड आएगा ना यहाँ पे, ये रहा भाई। तो यहाँ से देखो ये भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी तो लगा हुआ है, तो यहाँ पे छह अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, इस डबल बॉन्ड के छह अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तो नाइन बन जाएंगे टोटल। नाइन माइनस एट करोगे तो वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नाइन माइनस एट करोगे तो वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म मिला के ये क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ही जबरदस्त। हाउ मेनी अल्कोहल बिलोंग टू दिस फार्मूला, एक्सक्लूड स्टीरियो, सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल बताने हैं। हैविंग सिक्स और लेस कार्बन रिंग ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 आपका ये वाला प्रोडक्ट देंगे, कि इस फार्मूले से हम कितने ऐसे अल्कोहल बना सकते हैं जो कि छह या छह मेंबर से कम के हों, जो डिहाइड्रेशन के बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट दें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर छह आएगा भाई, सिक्स आएगा। कैसे सोचोगे, देखो भाई सबसे पहले आप छह मेंबर की रिंग बना लो, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने नजर आ रहे हैं, एक भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें है नहीं, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, साधु ने 14 और 2 16 होने चाहिए थे, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक रिंग लगाओगे। तो सबसे पहले आप ये वाला बना सकते हो, ये वाला अल्कोहल आपका यही प्रोडक्ट देगा। सबसे पहले आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया, उसके बाद आपने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई, उसके बाद तो ये वाला अल्कोहल ये प्रोडक्ट देगा। बिल्कुल आप बना के देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, पहला ही हो गया भाई। दूसरा, आप ये वाला अल्कोहल बना सकते हो इसी फार्मूले से, ये वाला अल्कोहल भी आपका सेम प्रोडक्ट देगा, ये वाला अल्कोहल भी सेम प्रोडक्ट देगा। तीसरा जो आप बना सकते हो, आप वो ये वाला बना सकते हो, ये वाला अल्कोहल भी आपको यही प्रोडक्ट देगा डिहाइड्रेशन के बाद। उसके बाद ये तो 5 मेंबर की बात, 6 मेंबर की बात की, अब हम 5 मेंबर की बात करते हैं। तो 5 मेंबर में देखो भाई, ये वाला प्रोडक्ट अभी ये क्वेश्चन भी करवाया हालांकि मैंने इस टाइप का ही, तो ये वाला भी यही प्रोडक्ट देगा। आप इसको करके देखना, सबसे पहले आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया, उसके बाद अब रिंग एक्सपेंशन करवाओगे, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, उसके बाद भाई ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, है ना। उसके बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा, कौन से वाला भाई, ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। उसके बाद कि ये जो अभी अभी बना के दिखाया मैंने, ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकता है, और उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट पॉसिबल होगा वो ये वाला प्रोडक्ट भी आपका पॉसिबल हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस फार्मूले से 6 ऐसे अल्कोहल पॉसिबल हैं जो कि आपका डिहाइड्रेशन के बाद वो वाला प्रोडक्ट देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ गया
तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स को, समझ में नहीं आएगी कहानी क्या हो गई हमारे साथ। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। देखो भाई ये कहानी पूरी मैंने बताई, ये कहानी मैंने पूरी आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई सिक्स एड, ये हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन है। तो ये है आपका, फॉर द फ्लोइंग फ्री रेडिकल एलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन ब्रोमो अल्केन बनेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड इन द बो रिएक्शन। तो देखो भाई यहाँ पे एलाइलिक पोजिशन बना लेते हैं पहले, तो ज्यादातर क्वेश्चन फ्री रेडिकल के इसी टाइप के बनेंगे भाई, जो मैंने आपको बताए भी है। ठीक है, तो उनको आप फोकस करना, ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। हालांकि मैंने टेस्ट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे आपके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इसका आंसर सिक्स आएगा ना, मे बी इसका आंसर सिक्स है, यस इसका आंसर भी सिक्स आएगा भाई, कैसे देख लो एक बार फटाफट से। तो सबसे पहले तो आपने एक रेडिकल आप यहाँ पे बना सकते हो, ये रेडिकल बना, दूसरा रेडिकल आप कहाँ पे बना सकते हो, मिथाइल के ऊपर बना सकते हो, दूसरा रेडिकल कहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे CH2 रेडिकल बना सकते हो। तो दो रेडिकल बन गए, उसके बाद आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, और उसके बाद BR लगाओगे। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, मे बी हो जाएगा भाई, ये आपसे हो जाना चाहिए, मैंने शायद सॉल्यूशन तो यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो ये आपसे हो जाएगा भाई इजीली, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ठीक है, छह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, सिक्स, वेरी गुड वेरी गुड, सही है भाई जगराता, बिल्कुल सही है। आप मैंने ये देखो ये बनाए, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, देखो यार ज्यादा टाइम लग जाएगा, वैसे मैं बना सकता हूँ, ऐसा कोई इशू बनेगा नहीं इससे। तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद बीआर का अटैक करवा देना, छह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको आपको ट्राई करना। इसमें आपसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्यू टू विच कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज, कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। तो देखो इस कार्बोकैटायन को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि तीन और तीन छह अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गए भाई छह अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से होगी। उसके बाद इसका आप जो है इसका रेजोनेंस करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए भाई। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस में यहाँ पे जाएगा और छह अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हो गए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आना था 15 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 15 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 15 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 15 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रही होंगी, जो कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रही होंगी। हमारा इस सेशन का और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ए, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताइए। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने यही पे ये करना था, इस ऑक्सीजन का इस एच के ऊपर अटैक करवाओगे, ठीक है ना, ये रहा और ये आपका ये रहा, इसके ऊपर आपने ये ओ के ऊपर पॉजिटिव ये रहा, इसके बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो एक ही पोजीशन पे दो अल्कोहल वो अनस्टेबल होता है, तो इस बॉन्ड को आप यहाँ से ब्रेक कीजिए। सेवन क्वेश्चन में लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा, इसलिए 15 टाइप करने के बाद में फिर से सिक्स लिख दिया, हाँ वो आपको देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा कि ये यहाँ पे अल्कोहल लगेगा, यहाँ पे आपका अल्कोहल लगेगा, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ये यहाँ पे और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनना था। अब आपसे यही पूछा गया था यहाँ पे, अब आपसे यही पूछा गया था कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जीरो होगा, ना तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड और ना ही यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड। तो ये था भाई हमारा पूरा टेस्ट का सॉल्यूशन, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। तो ये हमने कार्बोकैटायन के टेस्ट का सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिया, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया, फ्री मतलब फ्री रेडिकल के भी अच्छे क्वेश्चन दिए एंड कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी दिए, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी दिए, है ना, और कुछ स्टीरियो को इंक्लूड करके भी दिए। तो ओवरऑल बढ़िया टेस्ट मैं बनाया, मैंने काफी मेहनत की, काफी अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्ट किए, और भाई आगे आगे चलते जाएंगे तो चीजें सीखते जाएंगे। ओके, ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा, और बहुत सारे बच्चे तो अगर मैं बात करूं 50 में से 50% मार्क्स भी नहीं ले पाए। तो भाई देखो वैसे टेस्ट कोई ज्यादा टफ नहीं था, सारी चीजें करवाई हुई थी, ऐसा नहीं कोई एडवांस चीजें ही दे दी हूँ आपको, ऐसी चीजें दे दी, तो थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी अच्छी मेहनत करिए स्टूडेंट्स। लेकिन भाई अगर जिस बच्चे के भी 20+ स्कोर है या 18+ स्कोर, वो अच्छा स्कोर मैं मानूंगा इस टेस्ट में, ठीक है। बाकी तो टाइम के साथ चीजें और अच्छे से आती जाएंगी आप सभी को। तो चलिए भाई, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू जॉइनिंग दिस सेशन। तो आप सभी को एक बार फिर से थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।